जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत कहानी पार्ट टू। सबसे गुण लेने की शिक्षा जो बाबा ने दी। मातेश्वरी जी के देहावसान के बाद बाबा मात पिता रूप से बच्चों को सद्गुणों को खूब सजाने में तत्पर हुए। ब्रह्मा कुमारी गुलजार मोहिनी जी, जो वर्तमान समय दिल्ली जोन की इंचार्ज हैं, कहती हैं कि बाबा ईश्वरी ज्ञान और सद्गुणी भावना की बात अनेक विधियों से समझाते थे। श्रीमद भागवत में दत्तात्रेय के बारे में यह लिखा हुआ है कि उसने 24 वस्तुओं अथवा जीवों से गुण लिया था और उन गुणों के आधार पर उसने अपने जीवन को ज्ञान निष्ठ, चित्त को शांत और वृत्ति को उपराम बनाया था। आज भी लोग श्रीमद भागवत के 11वें स्कंध में जब यह पढ़ते हैं कि दत्तात्रेय ने अमुक अमुक वस्तु या जीव प्राणी में अमुक गुण लिया था तो वे बहुत ही खुश होते थे। अच्छे गुणों को धारण करने की युक्तियां सुनकर धर्म परायण लोगों को खुशी होना एक स्वाभाविक बात है। हम भी स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि बाबा ने हमें भी अनेकानेक वस्तुओं और जीव प्राणियों से गुण लेने की सूझ दी। यों तो उन्होंने हमारी मनोवृत्ति ही ऐसी बना दी थी कि हम हर एक चीज अथवा व्यक्ति से गुण ही ग्रहण करें, परंतु फिर भी हम यहाँ संक्षेप में उल्लेख करेंगे कि बाबा ने किस किस वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति अथवा जीव प्राणी से क्या क्या गुण लेने की बुद्धि हमें दी अथवा क्या क्या अवगुण छोड़ने की शिक्षा दी। सागर से गंभीरता आदि गुण। जब हम कराची में थे तो बहुत बार बाबा के साथ हम सागर के किनारे पर जाकर बैठते थे। तब बाबा मधुर और स्नेह युक्त शब्दों में कहते, बच्चे सागर की लहरें देख रहे हो? देखो, सागर की लहरें जैसे बच्चों के पांव तक आती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। आप भी तो ज्ञान सागर के बच्चे हो। आप इस सागर से यह गुण ग्रहण करो कि अब अगर आपके मन में कभी माया की लहरें उठे तो आप भी उन्हें इसी तरह से वापस लौटाओ। फिर बाबा कहते, बच्चे देखो, लोग सागर में कचरा अथवा कूड़ा डालते हैं तो वह सागर के अंदर नहीं जाता बल्कि ऊपर ऊपर ही रह जाता है। इस सागर की तरह आप भी बच्चों का स्वभाव होना चाहिए। आप बच्चों के मन के अंदर कोई कचरा नहीं ठहरना चाहिए। कई बार बाबा गोताखोरों की ओर इशारा करते हुए कहते, बच्चे देखो, गोताखोर सागर में काफी नीचे जाकर हीरे मोती रत्न लाल आदि ले आते हैं। इनकी तरह आप भी विचार सागर का मंथन करो। आप भी ज्ञान सागर शिव बाबा के ज्ञान की गहराई में जाओ तो आपको भी बहुत अनमोल रत्न, हीरे और मोती मिलेंगे। इस प्रकार बाबा हमें गुण ग्राहक बनने की ट्रेनिंग देते रहते। फिर भी हमें कुछ आत्मा के स्वरूप में स्थित करा के वे कहते, बच्चे देखो सागर कितना शांत, गंभीर, मर्यादित और भीतर में धैर्यवत भी है। भले ही इसके ऊपर लहरें हैं परंतु नीचे देखा जाए तो वह सदा शांत होता है। आप भी ऐसे ही शांत तथा धैर्यवत हो जाओ। सागर के किनारे पर पड़े शालिग्रामों की ओर इशारा करते हुए बाबा कहते, यह देखो, पानी की लहरों और छींटों से पत्थर भी खिस खिस कर पूजनीय शालिग्राम हो गए हैं। ऐसे ही आप भी कठिनाइयों को सहन करेंगे और ज्ञान सागर के लहरों में जाएंगे तो एक दिन आप भी ऐसे ही साफ और पूजनीय अर्थात पावन बन जाएंगे। प्रकृति के तत्वों से गुण। अग्नि। वास्तव में बाबा हर एक तत्व में कोई ना कोई ग्रहण करने की शिक्षा देते। वे कहते, बच्चे अग्नि में तपाने से ही सोने को शुद्ध किया जाता है। अग्नि सब कचड़े को जलाकर भस्म कर देती है। इसी प्रकार आत्मा को पवित्र बनने के लिए योग की अग्नि है। शिव बाबा की याद से आत्मा का जन्म जन्मांतर का मैल धुल सकता है। वायु का दृष्टांत देते हुए बाबा कहते, मीठे बच्चे योगाभ्यास करने से आत्मा में शरीर भार नहीं रहता और उसमें पापों का बोझ भी उतरता है। अतः योग युक्त होने से मनुष्य स्वयं को वायु के समान हल्का अनुभव करता है। उसे थकावट महसूस नहीं होती, सुस्ती नहीं आती और शरीर की स्थूलता नहीं खींचती। फिर भी कभी बाबा कहते, बच्चे बाहर में बेहद में खुली हवा में जाने से दिल को फरहत महसूस होती है। अंदर बंद कमरे में ऐसा लगता है जैसे कि हम गर्भ जेल में बैठे हैं। इसी प्रकार जो बच्चा अपनी बुद्धि को बेहद में टिकाता है, अर्थात जो संकुचित विचार वाला ना होकर विशाल बुद्धि वाला होता है, सभी से मिलता जुलता है और उच्च विचार करता है,
वह भी सदा ताजा और खुश रहता है जो हद में बैठता है, अर्थात छोटे ही दायरे में स्वयं को नियमित रखता है, वह भी मुझा हुआ, उलझा हुआ और उदास सा लगता है। जल में वस्तुओं को धोने और शुद्ध करने का जो गुण है उसकी चर्चा करते हुए बाबा कहते, बच्चे जल की गंगा में स्नान करने से शरीर स्वच्छ होता है, परंतु आत्मा को धोने के लिए तो ज्ञान गंगा में स्नान करने की आवश्यकता है। जो लोग सोचते हैं कि जल गंगा में स्नान करने से पाप धुल सकते हैं, वे भूल में हैं। बच्चे जैसे आप शरीर को प्रतिदिन स्नान कराते हो, वैसे ही आत्मा के लिए भी ज्ञान स्नान किया करो। देखो, जल एक जगह पर ठहरे रहने से दुर्गंधित पूर्ण हो जाता है और सर्विसेबल नहीं रहता। इस बात को ध्यान में रख के आप ज्ञान गंगाओं को भी एक जगह नहीं बैठना चाहिए, बल्कि जगह जगह जाकर दूसरों को ज्ञान जल से पावन करने की सेवा करनी चाहिए। चंद्रमा के शीतलता रूपी गुण की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बाबा कहते कि आप भी इसके समान शीतल बनो और 16 कला पवित्र बनो। अब आपकी ज्ञान और पवित्रता की कलाओं को बढ़ाकर पूर्णमासी की स्टेज तक ले जाओ। बादलों का उदाहरण देके बाबा कहते, बच्चे बादल सागर से जल भरकर मैदानों में आते हैं और वर्षा करके फिर ले जाते हैं। इसी प्रकार आप भी यहाँ ज्ञान सागर के पास आकर स्वयं में ज्ञान जल भर जाते हो, फिर यहाँ से जाकर आपको दूसरों पर ज्ञान वर्षा करनी चाहिए ताकि वे हरे भरे हों। जो बच्चे यहाँ से जाकर दूसरी दूसरी जगह ज्ञान वर्षा नहीं करते, उनके बारे में बाबा समझते हैं कि वो बादल भरे नहीं है, वे खाली खाली हैं। इस प्रकार एक एक तत्व से गुण लेने का पाठ पढ़ाते हुए बाबा कहते, बच्चे अब सभी तत्व भी तमोगुणी हो गए हैं, क्योंकि सभी मनुष्य तमो प्रधान बन गए हैं। इसलिए अब ये तत्व भी नियम को छोड़कर मनुष्य को दुख देने वाले बन गए हैं। ये बिगड़े हुए भी बाढ़, भूकंप, तूफान, अतिवृष्ण, अनावृष्टि, अकाल आदि आदि के रूप में भविष्य में सृष्टि के महाविनाश के निमित्त बनेंगे और मनुष्य आत्माओं को घोर संकटों से घेरेंगे। अब अगर मनुष्य सुधर जाएं, तो ये भी सुधर जाएंगे। ये सभी मनुष्य के चरित्र पर निर्भर है। अतः अब आप पहले अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करो और योग बल द्वारा इनकी भी सेवा करो। योग से ही सारी सृष्टि सतो प्रधान बनती है। बच्चे आज अज्ञानी लोग तो सूर्य नमस्कार, वृक्ष पूजा, भूमि पूजा, नक्षत्र पूजा आदि आदि के रूप में तत्व पूजा अथवा भूमि पूजा करने लग गए हैं। अब आप इन सबको छोड़कर एक शिव बाबा को याद करो तो ये सभी तत्व भी वशीभूत हो जाएंगे और सुख देने वाले बन जाएंगे। फूलों और फलों से गुण। बहुत बार बाबा फूलों के बगीचे में ले जाते, खड़े होके बाबा उनको निहारते हुए उनकी सुगंधी लेते। बाबा कहते, देखो फूल कितने पवित्र होते हैं, ये सबकी सेवा करते हैं। पवित्रता और सेवा, ये इनके दो मुख्य गुण हैं, इसलिए ही ये देवताओं पर चढ़ाए जाते हैं। देखो इनकी तरह आप भी कांटों के बीच रहते हुए अपनी कोमलता, सुंदरता और सुगंधी को बनाए रखो। बच्चे जो भी इनके पास आता है उसे यह सुगंधी से खुश करके तथा उसके मस्तिष्क को ताजा करते हैं। बच्चे आप भी चेतन फूल हो, आप भी इनकी तरह सदा खिले रहो। शिव बाबा इस बगीचे का माली है, उसने ही आपको कांटे से फूल बनाया है। पहले आप कांटे थे, आप में काम, क्रोध आदि विकार थे और उनके कारण आप दूसरों को दुख देते थे। अब आप फूल की तरह पवित्र बनो और दिव्य गुण रूपी सुगंधि धारण करो और कांटा बनना छोड़ दो, अर्थात दूसरों को दुख देना छोड़ दो। सबसे बड़ा कांटा है काम का कांटा, यह जन्म जन्मांतर दुख देता है। क्रोध का कांटा भी कम नहीं है, ये दो तो बहुत बड़े कांटे हैं। आज सभी मनुष्य कांटे हैं, एक दूसरे को दुख देने के निमित्त बने हुए हैं। यह कलयुगी दुनिया एक जंगल ही तो है। अब शिव बाबा आकर ज्ञान वर्षा से जंगल में मंगल कर रहे हैं। आप बच्चों की यह जो चेतन मानवी फुलवाड़ी है, इसमें शिव बाबा जब आते हैं तो हरेक फूल की सुगंधी लेते हैं। हरेक बच्चे में अलग अलग प्रकार की सुगंधी है। बाबा हरेक फूल को का गुण बताते और कहते, देखो गुलाब के फूल में यह गुण है कि उसकी सुगंधी बहुत लुभाने वाली होती है
उसकी बनावट भी अच्छी होती है और रंग ढंग भी। आप भी गुलाब की तरह खुशबूदार बनो और सदा खिले हुए अर्थात हर्षित मुख रहो। कमल फूल में यह गुण है कि वह जल में अथवा दलदल में रहते हुए भी उनसे न्यारा और अलिप्त रहता है। उसका यह गुण आपको भी धारण करना चाहिए। सूर्यमुखी में यह गुण है कि जिधर जिधर सूर्य होता है उधर ही वह अपना मुख फेर लेता है। इसके इस गुण में को आप भी जीवन में उतारो। आपका मन भी सदा ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा की ही ओर लगा रहना चाहिए। आपको चाहिए कि आप सदा सूर्यमुखी रहो अर्थात एक शिव बाबा से ही निर्देश लो और शिव बाबा के ही आचरण को देखो। रात की रानी में यह गुण है कि वह फूल रात को सुगंधित देता है। आप भी इस कलयुग रूपी रात्रि में सबको दिव्य गुणों की सुगंधि दो। इस प्रकार बाबा चमेली चंपा मोतिया आदि के गुण भी बताते। वे कहते कि भले ही यह फूल छोटे हैं परंतु इनमें खुशबू अच्छी है। फिर बाबा आग के फूल का उदाहरण देते हुए कहते, आग की तरह कड़वे मत बनो। देखो लोग शिव बाबा पर आग के फूल चढ़ाते हैं। आपके स्वभाव में जो भी कड़वापन अथवा कटुता है वह शिव बाबा को हवाले कर दो, उसे भेंट कर दो। छुई मुई अथवा लाजवंती का उदाहरण देते हुए बाबा कहते, छुई मुई को हाथ लगाने से वह मुरझा जाती है अथवा सिकुड़ जाती है। आपको वैसा नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपको कड़वी बात कहे और आपके चेहरे पर मुरझाहट आ जाए। टू के फूल से उपमा करते हुए बाबा कहते, टू का फूल रंग रूप और दिखावे की दृष्टि से तो अच्छा होता है परंतु उसमें सुगंधि जरा नहीं होती। टूह के फूल जैसा आप न बनना अर्थात आप ऐसा न बनना कि आप में दिव्य गुणों की सुगंधि हो ही नहीं, केवल दिखावा मात्र हो। फिर बाबा कहते, मैं यहाँ पांडव भवन में बगीचे में सभी प्रकार के फूल लगाऊंगा और जो भी बच्चे बाहर से आएंगे उनसे पूछूंगा, आप छुई मुई आग या टूह का फूल तो नहीं हो? आप में कौन से फूल का गुण है? जिन बच्चों में दिव्य गुणों की सुगंधि नहीं होगी अथवा जो कमल फूल के समान न्यारे और प्यारे बनकर नहीं रहते होंगे उन्हें मेरे वचन सुनकर लज्जा आएगी और वह गुण धारण करने का पुरुषार्थ करने लगेंगे। कोई वत्स यदि बाबा को कभी फूलों की माला भेंट करता तो बाबा कहते, नहीं बच्चे, मुझे तो आप चेतन फूल अथवा माली फूल चाहिए जिन्हें मैं सतयुगी सृष्टि रूपी बगीचे में लगा सकूं। बच्चे, साधु और महात्मा लोग ही जन्म जन्मांतर आप आत्माओं से फलों और पुष्प मालाओं की भेंट लेते आए हैं, परंतु मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ। मैं तो आप सभी आत्माओं का पिता हूँ। मैं आपसे फूल लेने नहीं, आपको फूल बनाने आया हूँ। परंतु मैं देखता हूँ कई बच्चे अभी तक कांटे में बदल कर कलियां बने हैं, अभी वे खिले नहीं हैं और अभी उनमें सुगंधि नहीं है जिससे कि वे दूसरों की सेवा कर सकें। अभी तो स्वयं उनकी भी देखरेख और सेवा की जरूरत है। अभी उन पर माली का पूरा ध्यान देने की जरूरत है, वरना कई बच्चों को तो माया रूपी चिड़िया बड़ा होने से भी पहले खा जाती है अथवा कईयों को माया का तूफान लग जाता है और वे गिर जाते हैं। बच्चे, बाप को गुलदस्ता देना चाहते हो तो उसके लिए यह पुरुषार्थ करो कि अन्य जो कांटे सब मनुष्य हैं उनको फूल बनाओ, फिर उनकी ज्ञान सेवा करके हरेक में दिव्य गुणों की सुगंधि भरकर उन्हें इकट्ठा करके बाबा के पास ले आओ। उन्हें परस्पर प्रेम सूत्र में बांधकर लाना ही गोया बाबा के पास फूलों का गुलदस्ता लाना है। ऐसा गुलदस्ता बाबा स्वीकार कर सकता है और उनकी सुगंधि से खुश हो सकता है। मैं जानता हूँ कि उसमें भी सब तरह के फूल होंगे, कई तो फूल भी नहीं हरे पत्ते ही होंगे। गुलदस्ते की वो शोभा होंगे, हरे पत्ते वे नर नारी हैं जिनमें ज्ञान की सुगंध तो है परंतु उनमें दिव्य गुणों की सुगंधि नहीं है और वे इस दैवी गुलदस्ते के बाहर दूर दूर रहते हैं। अब आप स्वयं से पूछो कि आप फूल हैं या पत्ते। इस प्रकार बाबा फूलों का नाम ले लेकर भी पवित्रता दिव्य गुण रूपी सुगंध माया से अलिप्तता आदि आदि गुण हम सब बच्चों में भरते रहते जिसमें ज्ञान का रस भर जाता, जो योग से पक जाता बाबा उसे फल मानते। इसलिए बहुत बार बाबा पूछते, बताओ आप कली हो, फूल हो या फल हो? आप में कहां तक ज्ञान का रस
योग का मिठास अथवा परिपक्वता या पुष्प की सी सुगंधि भरी है। फिर बाबा समझाते कि सभी बच्चों को नम्र स्वभाव का भी होना चाहिए, जैसे कि फलों में लता हुआ वृक्ष झुक जाता है ताकि लोग सहज ही फल को ले लेवे। यदि किसी में नम्रता नहीं है तो बाबा समझते कि उसे अभी फल नहीं और फूल नहीं लगे हैं, बल्कि वह सूखा हुआ वृक्ष है। ओम शांति।